हेलो एवरीवन, हम सभी प्यारे साथियों पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है आपका आर्टिकल्स। सो सबसे पहले मन में सवाल चल रहा होगा कि आखिर आर्टिकल होते क्या हैं। तो देखिए, ये हैं आपके ए, एन, एंड, द। ये क्या है हमारे, इन्हीं को हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि ए और एन कैसे आर्टिकल हैं। तो ए और एन जो है वो क्या है आपके, इनको हम क्या कहते हैं, ये इनडेफिनिट आर्टिकल हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, जबकि हम बात करें डेफिनिट आर्टिकल कैसे होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, तो डेफिनिट आर्टिकल जो होता है आपका वो है सिर्फ द। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है, ए एन द क्या है हमारे, इनडेफिनिट आर्टिकल है, और जो हमारा द है ये कैसा है हमारा, डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, तो होपफुली आपको पता हो गया होगा। अच्छा, अब सवाल ये आ रहा होगा कि सर इनका हम क्या है, इनका प्रयोग कहाँ करेंगे। तो हमेशा याद रखना है, ये जो आपका ए और एन जो होता है का प्रयोग हमेशा क्या है आपका, इनडेफिनिट कब करेंगे, इनडेफिनिट सिंगुलर, इनडेफिनिट की स्थिति में तो करेंगे लेकिन सिंगुलर नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है। और अगर डेफिनिट चीज हो, यानी कि अगर निश्चित चीज है, अगर निश्चित होने पर हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे आपका। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई हैव ए कार, तो देखो ये कार है ना, यहां पर ये बता रहा है ये कैसा है हमारा, सबसे पहले तो मानो भाई कोई ना कोई कार के बारे में बात कर रहा हूं, मेरे पास कार है तो इसका मतलब मुझे पता है, तो इसका मुझे पता तो है कार है, लेकिन ये नहीं पता ना कौन सी कार है। तो बात क्या हो रही है यहां पर, इनडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, कैसी है, इनडेफिनिट। अब कार में पता नहीं ना कौन सी कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये कैसा है आपका, कार क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो हमने ए का यूज जो है इससे पहले कर दिया आपका। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ही, दूसरा देखो, ही सेंग अ सॉन्ग। अब ये गाना, गाना क्या है ये, तो सॉरी गाना क्या है आपका, नाउन है, तो नाउन से पहले ए लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, इनडेफिनिट है, पता नहीं भाई कौन सा गाना गाया। ठीक है, तो इनडेफिनिट है, ए लगा दिया। ऐसी मैंने लिख दिया राम इज अ स्टूडेंट, राम क्या है, एक स्टूडेंट है। अब स्टूडेंटों में एक है तो यहां मैंने लगा दिया, लेकिन अगर यहीं पर मैं ऐसे कर दूं इस तरीके से, दिस इज ऑरेंज, तो अब ये बताओ ए आएगा या एन आएगा, तो यहां पर आएगा हमारा एन। तो अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये बताओ ए और एन यूज कैसे करेंगे हम। तो देखिए, ए का यूज, एन का यूज सीख लो, ए का अपने आप आ जाएगा। तो एन जहां पर भी क्या है, हमारे जो वोवल साउंड आएंगे ए ई आई ओ यू, जहां पर भी साउंड आए, ठीक है, वहां पर क्या लगाना है आपको, एन का यूज करना है। और इसके अलावा जहां पर भी कॉन्सोनेंट हो हमारे, क्या हो, कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है, 21, तो जहां पर कॉन्सोनेंट साउंड हो वहां पर ए लगा देना। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रख लो। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला, एक छोटा बच्चा तो यू देखकर लगाएगा कि सर एन आएगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहां पर साउंड भी क्या आया, इसको हम ऐसे बोलते हैं अम्ब्रेला, तो आ का साउंड आ रहा है, तो आपको साउंड पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल, जैसे यूनियन, अब ये बताओ इसमें क्या आएगा आपका, अब यूनियन देखो ऐसे बोला जा रहा है यूनियन, तो साउंड पर देखो यू आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर क्या लग जाएगा आपका, ए लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो देखो यू का साउंड आएगा, ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो यहां पर बताओ ए आएगा एन, तो आप बोलोगे सर ए आएगा, क्योंकि हमें इन वाले बोवल की संख्या पर मत जाइए आप, साउंड पर जाना है आपको। ठीक है,
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक चीज लिखी आपके सामने, जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट या ऑनेस्ट मैन, तो साउंड कैसा आएगा, इस ऑनेस्ट को ध्यान देना है। ऑनेस्ट का साउंड आया, अब मैन क्या है हमारा नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है एडजेक्टिव। अब यहां से दो है, एक तो साउंड पे ध्यान देना है, तो ओ का साउंड आ रहा है ना ऑनेस्ट, यानी आ का साउंड आ रहा है, तो यहां पर पहले तो आ जाएगा एन। अब एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर नाउन की विशेषता जो है एडजेक्टिव बताए, तो आर्टिकल का जो प्रयोग करते हैं वो कहां पर करते हैं, हम एडजेक्टिव से पहले करते हैं। अभी ये तो नाउन था, नाउन से पहले ये ऑनेस्ट क्या बता रहा है इसकी एडजेक्टिव, तो अगर नाउन, अगर टेंस में नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया होता है, उससे पहले क्या करेंगे हम आर्टिकल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा सी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब यहां पर बताना है आपको क्या आएगा, तो स्टूडेंट नाउन है, नाउन है, इसकी क्या है? ये एडजेक्टिव बता रहा है कि कैसा है, एक्सीलेंट है। अब कैसा आ जाएगा आप बताओ, तो ये कैसा है, ई का साउंड आ रहा है एक्सीलेंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका एन आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एब्रीवेशन में भी यूज कर देते हैं हम, जैसे आप देखिए एफ आई आर है शॉर्ट फॉर्म में, तो देखो साउंड तो इनमें से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सॉरी बोवल तो कुछ नहीं आ रहा ए ई आई यू में, क्योंकि एफ से शुरुआत है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको गलत कर जाते, लेकिन अगर आपको अब पता है कि साउंड पे ध्यान देना है, तो आप एफ आई आर कैसे लिखोगे, इसमें एफ तो ए का साउंड आ रहा है, फिर एफ आई आई आर ऐसी तो लिखा जाएगा, तो देखो ए का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब एन लगाएंगे। ऐसी एम एल ए ले लो, एम एल ए, तो इसमें ए का साउंड आ रहा है, तो एन लग जाएगा। क्लियर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भी हम यूज कर लेते हैं, तो ये तो एन का यूज मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम दा के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई भी हैं। अब दा का यूज जो करेंगे वहां पर, वो कहां पर करेंगे हम, डेफिनेट चीजों में। ठीक है, कहां पर, जहां पर डेफिनेट की बात होगी आपकी, तो वहां पर आप क्या करोगे, आप वहां पर दा का यूज कर दोगे। जैसे मैं एक कहानी समझाता हूं, उसी से समझ आ जाएगा। जैसे वंस अपन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। अब किंग कैसा है, नाउन है, इनडेफिनिट है, पता नहीं भाई कैसा है, किंग है तो ए लगाया। अब मेरे को पता गया, लग गया राजा है, तो अब मैं यहां पर द किंग लगा दूंगा, द किंग वॉज वेरी काइंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें, ए हमने क्यों लगाया यहां पर, कि राजा का नहीं पता था, फिर हमें पता लग गया अच्छा राजा ये है, तो द। अब यहां पर आप इन चीजों को समझ लो, यही चीजें इसमें लगी हुई है। ठीक है, देखो ए जो है यूज किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, तो मैंने आपको बताया था 21 होते हैं, ये देख लो, आ पेन है, रूम है, आ बॉल है, आकाशन है। ठीक है, देन एन जो यूज किया जाता है वो, सॉरी ए जो यूज किया जाता है बिफोर अ वोवल दैट हैव अ साउंड ऑफ यू, तो आपको ध्यान क्या देना है, जैसे ये देखो यूनियन इसमें आ गया, लेकिन अगर आपने यही पढ़े हुए होते ए ई आई ओ यू, तो बहुत से क्या लगाते, एन लगाते, छोटे बच्चों से पूछोगे तो एन ही सही बताएगा, लेकिन अब हमें साउंड पे ध्यान देना है, तो ए आ गया। ठीक है, इट यूज बिफोर द वर्ड वन एज बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ बी। ठीक है, वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, एन का। ठीक है, अब माइंड में हमेशा ध्यान रख लेना है आपको ये चीज है कि ए एन आर कॉल इनडेफिनेट आर्टिकल है हमारे। ठीक है, दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी डेफिनेट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जबकि दे आर ऑलवेज यूज विद द काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करते हैं। अ डॉग है, अन एलिफेंट है, अन एप्पल है, अ पेयर है। ठीक है, ये फिर आ जाता है हमारा एन। बोवल साउंड जिससे भी आए वहां पर आप यूज करोगे, इट इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द बोवल, जैसे इंक है, एरोप्लेन है, ऑरेंज है। ठीक है, फिर एच का साउंड आएगा, वही ऑनेस्ट वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे अन आ रहा है, अन ऑनेस्ट है, अन ऑनरेबल है।
कुल मिलाकर साउंड का क्या है आपको ध्यान रखना है। ये देखो नीचे एमएलए का दे दिया इन्होंने, एमएलए है, एमपी है, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा दा का यूज। तो देखो ये हमेशा कहाँ पर यूज करा जाएगा, पर्टिकुलर चीजों में, स्पेसिफिक में, ठीक है। तो दिस इज द पेन यू गेव मी, सुपरलेटिव के साथ यूज किया जाता है। द ब्राइटेस्ट कलर, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। फिर द बर्ड सच एज द फर्स्ट है, लास्ट है, ओनली है, नेक्स्ट है, सम फॉलोइंग प्रीवियस, इनमें भी क्या है हम दा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द इज नॉट यूज विद द बर्ड सच एज लास्ट वीक, मंथ, ईयर, नाइट, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, यहां पर हम दा का यूज नहीं करते हैं, तो पॉइंट आउट करके लिख लेना, ठीक है। देन कहता है कि विद द कॉमन नाउन, वेन द नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, इसका दा का यूज कर सकते हैं। विद थिंग्स विच आर ओनली वन इट्स काइंड, थिंग्स के साथ किया जा सकता है, जैसे दा सन है, दा मून है, दा स्काई है, दा रिवर से, कुछ नेम के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप याद रखो, जो बचपन में भी आपने बहुत सारे याद करे होंगे, जैसे आपका कोई रिवर है, जैसे द नर्मदा, द गंगा, कोई सी है या ओशियन है, द इंडियन ओशियन, द अरबियन सी, माउंटेन में कर सकते हैं द हिमालय, होली बुक्स में कर सकते हैं द गीता, द कुरान, न्यूज़पेपर में कर सकते हैं द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिल्डिंग में कर सकते हैं द गेटवे ऑफ इंडिया, द ताज, डायरेक्शन में कर सकते हैं द साउथ, द ईस्ट, द होल फैमिलीज में कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें जहां पर हम जो है यूज नहीं करते, वो पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी याद रखना। द इज नॉट यूज विद द प्रॉपर नाउन के साथ नहीं यूज करते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन से पहले यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। बट वेन द नाउन्स आर यूज पर्टिकुलर वंस, द इज यूज, जब नाउन्स को जो क्या है पर्टिकुलर चीज के लिए यूज किया जाएगा, वहां पर क्या है हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप आर्टिकल से क्वेश्चन अगर आया तो आप उसे कर पाएंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।